नमस्कार, मैं मीना रेमेनेस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ऐसा क्या हुआ उस फार्म हाउस पर? पनवेल की डांस बार में काम करने वाली चार बार वाला काम के बाद गुरुवार की रात को पब में आई और रात भर पब में रुकी। शुक्रवार को सुबह एक दोस्त के घर आराम के लिए गई। उसके बाद सुबह 11:30 बजे वहाँ पनवेल जाने निकली, तब उन्हें एक सहेली का फोन आया। उसने वड़गांव मावल यहाँ एक फार्म हाउस पर उन्हें बुलाया। वह लड़कियाँ वहाँ गई और वहाँ उन्हें लेने के लिए गाड़ी आई। उस गाड़ी ने इंद्रायणी के किनारे फार्म हाउस पर ले गए। रात को 8:30 बजे उनके साथ एक और व्यक्ति था। उसके साथ उन्होंने पार्टी की, लेकिन उसमें से एक लड़की को शराब पिलाई गई और शारीरिक संबंध बनाना चाहा, जबकि लड़की ने इनकार किया तो पिस्तौल तान दी, जिससे कि चारों लड़कियां घबरा गई। वहां से वे भागने लगी। रात के अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगी। खेड़ा गांव होने के कारण सब कुछ सन्नाटा था, लेकिन वह दोनों व्यक्तियों ने पीछा शुरू रखा। जब उन लड़कियों को भागते भागते दो जवान दिखे तो उन्होंने मदद मांगी, लेकिन जो लोग पीछा कर रहे थे उन्होंने पिस्तौल का डर दिखाया। तभी वह लड़कियां मंदिर में छुप गई, लेकिन इस बात की भनक गांव वालों को लगते ही गांव वालों ने रात 12 बजे पुलिस को हलने गांव में शिकायत की, जिससे कि चारों लड़कियों को राहत मिली। इस प्रकरण में वड़गांव मावल पुलिस थाना में पीड़ित लड़कियों में से एक निके के उर्फ अमित और उनके साथ एक रंगेला विरोधक में फरियाद दी है। के यह नाम किसी राजकीय नेता जैसा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखते रहिए खास एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।